सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने चैनल जी के मैजिक बाय विकास। सो गाइस, इन दिस इज पार्ट वन ऑफ माय वीडियो सीरीज जी के मैजिक। आई विल कवर इन दिस वीडियो सीरीज 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वन डे एग्जाम्स। सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया को सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में किस पदार्थ से प्राप्त किया गया था? आंसर इज आल्सो देयर, मूत्र से। सो गाइस, आंसर इज मूत्र से, टॉयलेट से, पेशाब से। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आइए आंसर की तरफ चलते हैं। भाग तीन को, पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन थर्ड क्वेश्चन इज, रेडियोधर्मी पदार्थों रेडियम एवं प्लूटोनियम से कौन सा रोग होता है? आंसर की तरफ चलते हैं। हड्डी का कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, ठीक। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो आंसर की तरफ चलते हैं, नेसदी इज आंसर्स, फोर्थ आंसर यू कैन सी हियर, नेसदी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है। देन अगली स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर है, पिछले भी उसमें पढ़ चुके हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक चला था, एक साल तक चला था, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों, चार्ल्स नेपियर ने किया। एट्थ क्वेश्चन, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है या किसने कहा? आंसर की तरफ चलते हैं, क्रोमर ने कहा था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती, मनी मेक्स मनी, क्रोमर ने कहा था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? आंसर की तरफ चलते हैं, घनानंद का शासन था। ओके, सो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। इन दिस 11th क्वेश्चन इज, आवेग किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? वस्तु के संवेग मतलब मोमेंटम। एंड 12th क्वेश्चन इज, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 21। वह पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया? 13th क्वेश्चन, आंसर यूरिया। वह पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। 14वां क्वेश्चन, नंदवंश का विनाश चाणक्य ने किसके सहयोग से किया? चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंदवंश का विनाश चाणक्य ने किया। फिफ्टींथ क्वेश्चन इज, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। आंसर चाहे देख लीजिए, चेन्नई में। फिफ्टीन क्वेश्चन, चेन्नई में आंसर सही है।
सिक्सटीन क्वेश्चन इज, भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सिक्सटीन क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। नलकूप समझ रहे हैं, ट्यूबवेल्स। पहली बार आज बजट का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण कब किया गया? पहली बार आम बजट का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण कब किया गया था? 17 क्वेश्चन, 29 फरवरी 1992, 29 फेब 1992 को दूरदर्शन द्वारा आम बजट का सीधा प्रसारण किया गया दोस्तों। योजना पत्रिका, 18th क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। योजना जो एक मैगजीन होती है, योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पब्लिश होती हैं। 19th क्वेश्चन इस, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। 20वां क्वेश्चन है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष स्थापित की गई किया गया? 1982 में नेशनल वाटर काउंसिल स्थापित किया गया, 1982 में। सो गाइस, दीज आर आंसर्स, यू कैन मैच योर। एंड गाइज, नोट जरूर कीजिए आप इन सब क्वेश्चंस को, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जाम्स, एज यू गाइज आर वॉचिंग ऑन स्क्रीन। सो फॉर आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद दोस्तों।